हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग सुबह के देखिए 9:19 हुए हैं और एक शेयर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का, जो कि बस ई बस बनाती है। और अभी जो है आप देखिए, कल के डेट में हम लोग देखा जाए तो कल के डेट में इसने जो है एक लो लगाया था 275 का। और ये देखिए देखिए आप लोग जो है, जब भी मार्केट गिरता है तो उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। और देखिए, यदि आप लोगों ने ये चार्ट इसका ओलेक्ट्रा का उठाया होता, और ये देखिए ये चार्ट जो है, ये जो एक बाउ यहाँ पे जो एक ग्रीन कैंडल बनाया था उसी के लो बना के इसने वापस, और देखा जाए तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेवल इंट्राडे में कल का लिया था यहाँ से, यदि और दो दो तीन बार देखा जाए तो यहीं पे क्लोजिंग दे रहा था। और आज जो है, अभी जो है 300 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, और 292 से दो अभी 308 रुपया ऊपर है। तो इसमें जो है हम बता दें कि देखिए, ये फरवरी के आसपास, ये आप देखिए सितंबर में, सॉरी सितंबर में 60 रुपये का शेयर हुआ करता था और अच्छा खासा डिस्काउंट पे था। यहाँ से आप देखिए नवंबर से जो इसने 60 रुपये से जो इसने चाल शुरू की है, अभी जो है यहाँ से ये चलते हुए आप देखिए कहाँ पहुँच गया है, लगभग जो है आपका इस लेवल तक पहुंच चुका है। तो जो इसने हाई लगाया था वो 344 का था, ये 344 का पॉइंट याद रखिए। और नेक्स्ट जो हम, यदि ये वाला जो रेड फ्लैग है 304 निकलता है तो दोस्तों इसमें बना जा सकता है, 304 305 के ऊपर खरीदारी की जा सकती है। और यहाँ से जो पहला टारगेट होगा वो हमारा 328 के आसपास का होगा। और ये जोन यदि निकलता है 328 से 28 के बाद, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 346-47 का होगा। और इसके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ से 50 से 60 पॉइंट का आप मूव और भी मिल जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और देखा जाए तो ये लगातार जो है, यदि नवंबर से बात की जाए तो अच्छा खासा जो है अप मूव में ये शेयर बना हुआ है। इसको देखा जाए फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन अप्रैल से किया था, अप्रैल मई जून, तो यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था और फिर जो है इसने जो है इस हाई को तोड़ा है यहाँ पे। तो ये सब लेवल आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे, यदि इस लेवल पे निकलता है तो फिर यहाँ पे निकला है। और फिर देखिए यही जो था आपका, ये पॉइंट जो था यही इसका सपोर्ट भी बना है, और सपोर्ट बन के फिर इसने देखिए यहाँ से, तो इस सपोर्ट पे भी आप खरीदारी कर सकते थे। यदि 233 पे खरीदते तो आराम से आपको 100 रुपया का मूव यहाँ पे मिल जाता। और अब जो सपोर्ट ले रहा है ये वाला जो हाई है इस पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से अब ये फिर जो है फर्दर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। यदि ऊपर निकल जाता है तो ये आपका 340-45 के आसपास का एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो ये सारे लेवल हमने बता दिए आपको। अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में क्या चीज़ है। देखिए इसका ईपीएस जो है जबरदस्त इसमें ग्रो हो रहा है, 24% का ईपीएस ग्रोथ है। तो बेसिक हम लोग देख लेते हैं कि अभी देखिए इंट्री पॉइंट के लिए गुड है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। फॉरकास्ट में अभी भी कोई इसको कवर नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल में देख ले तो फाइनेंशियल इसका अच्छा खासा अच्छा हो रहा है। देखिए इसका जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो 25.34% से है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज जो है ओनली 6.96% का है। और इसका जो नेट इनकम है वो भी इंडस्ट्री से अच्छा है, नेट इनकम जो इंडस्ट्री का है जो एवरेज है 5.3% का है, इसका जो है आप देखिए 6.86% का है। और यहाँ देखिए मार्केट शेयर भी ये इंक्रीज कर रहा है 0.3% से, आप देखिए डबल से भी ज़्यादा कर चुका है, पिछले 5 सालों में इसने डबल कर लिया है। तो आने वाले समय में भी, चूंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड है, तो ये चीज़ें जो मार्केट शेयर है वो अच्छा खासा जो है इनका ग्रो होगा। और अब देखिए इनका ईपीएस नेगेटिव से धीरे धीरे पॉजिटिव में आ रहा है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनका जो ईपीएस होगा 24% सीएजीआर से आगे बढ़ेगा। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि खरीदारी करने से हमें रुकना चाहिए थोड़ा बहुत मात्रा में। देखिए आपको यदि ईवी का एक पोर्टफोलियो बनाना हो तो उसमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को ज़रूर रखना चाहिए, जैसे कि आप टाटा केमिकल को रख सकते हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक रख सकते हैं, टाटा पावर रख सकते हैं। तो ये तीन शेयर तो आपके किसी भी, यदि आप आगे का ईवी का यदि पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इस तरह का शेयर आपको रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आपकी इच्छा, आप भी अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो आज के डेट में ये है, आपको और चीज़ें बता दें इसका, इसमें होल्डिंग देख लेते हो। होल्डिंग जो है आप देखिए, इसमें जो है कोई प्लेस नहीं है,
और अभी FIs के म्यूचुअल फंड 0.67% है, FIs जो है 3.13% है, और प्रमोटर की होल्डिंग 55.61% है, जो कि अच्छा खासा प्रमोटर होल्डिंग है। तो ये और देखिए प्रमोटर का पहले का प्लेस शेयर था वो सब अब हट गया, अब कोई इसमें प्लेस शेयर नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें पॉजिटिव है, और आगे आने वाली चूँकि इसको अच्छा खासा ऑर्डर भी मिल रहा है, तेलंगाना बेस्ड ये कंपनी है और अच्छा खासा ऑर्डर भी इसको मिल रहा है। और ये जो है क्या बनाती है, देखिए ई बस बनाती है और इंसुलेटर बनाती है। इंसुलेटर पर आपका जो पावर में लगता है, बड़े बड़े इंसुलेटर जो है हाई पावर टेंशन वायर जो लगाए जाते हैं, देखिए वहाँ पे जो इंसुलेटर लगते हैं वो इंसुलेटर में काम करता है। प्लस जो गाड़ियों में इंसुलेटर लगता है उसके लिए भी ये जो है प्रोवाइड करता है, इंसुलेटर बनाता है। और ये जो है सबसे अच्छा ये इनके वेरिएंट है जो K6 E-Bus, K7 E-Bus, तो E-Bus का आने वाले समय में डिमांड होगा। तो वहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक आपके पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से होना चाहिए। और ये लेवल भी कोई महंगा नहीं है, अभी भी हाई से 40-50 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आज के डेट में इसको वॉच लिस्ट में डालिए। और देखिए कभी भी इस लेवल पे यदि 80 के नीचे तक आता है तो एक बार तो आपको यहाँ पे 55-30 का एक स्टॉप लॉस लेके इसमें बाइंग जरूर का अपॉर्चुनिटी मिले तो बाइंग जरूर करनी चाहिए। और जो लोग इस लेवल पे भी खरीदना सकते हैं यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमें नहीं लगता है कि बहुत महंगा है, खरीदा जा सकता है। और पिछले 5 साल में का चार्ट देखने की कोशिश करें तो आप देखिए ये 2016 में 23 रुपये का था और 2018 में भी ये 248 रुपये का था। तो आप देखिए उसके आसपास ही अभी चल रहा है और यही सब लेवल है जिस पे ये सपोर्ट ले रहा है। तो इस लेवल पे अभी जो हाई इसको तोड़ चुका है तो यहाँ से आप खरीदारी हमें लगता है की जा सकती है। तो ये सब चीज़ें थी। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि आने वाले समय में मैं आपको अच्छे जो भी अच्छे शेयर हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।